नमस्कार। आज मैं आज आपको ये मरीन ड्राइव का सेकंड फेज के बारे में आज आपको हम ब्रीफिंग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं अमित आप सभी लोग का आपके प्यारे चैनल सफ़र विद एके पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और अगर आप लोग अगर इस चैनल पर अभी भी अगर आप कोई भी व्यक्ति नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही वीडियो आपके आने वाले सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आज गंगा मैरी ड्राइव का फेज टू के बारे में आगे ब्रीफिंग करते हैं। तो आप मैं आज जब खड़ा हूँ ये गायघाट पुल के पास यहाँ पर जहाँ पर अभी फेज टू यहाँ पर एंड हो रही है। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर से यू टर्न वहाँ से पीएमसी के तरफ से आ रही है और यहाँ से ये यू टर्न होते हुए यहाँ पर से आप यहाँ तक के गायघाट के नीचे आप यहाँ गायघाट पुल की ओर नीचे आप यहाँ पर से यहाँ जा सकते हैं। और ये पुल जो कि दीघा से जो दीदारगंज तक जो प्रोजेक्ट जो बनने वाली है मरीन ड्राइव की, जो कि अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार ने जो प्रोजेक्ट का ये सपना देखा था, तो उसकी अभी सेकंड फेज अभी कंप्लीट हुई है। और जिसमें कि जो कि दूरी दीघा से गायघाट की जो डिस्टेंस है करीब 14 किलोमीटर की आपको दूरी दिखती है। पहले फर्स्ट फेज की जो दूरी है दीघा से पीएमसी की दूरी 7 किलोमीटर है और उसके आगे फिर जो रेस्ट ऑफ द जो डिस्टेंस है आपके यहाँ ये कवर करती है। और आप वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ सामने जो कि यहाँ पर गायघाट जो एंड हुई यहाँ से जो दीदारगंज जो कनेक्ट करेगी उधर कंस्ट्रक्शन की काम चालू है। और जो कि बाद में जो आगे के भी काम उधर कंप्लीट है जो कि बाकी केवल कनेक्टिंग बाकी है वो पूरी कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ये मरीन ड्राइव को आगे बढ़ते आगे ब्रीफ आपको ले चलते हैं आपको वहाँ दिखाने के लिए कि क्या नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक्चुअली ये मरीन ड्राइव बनाने का एक्चुअल पर्पस था कि अशोक राजपथ पर जो आपको जो गायघाट लोग आते थे पहले काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता था, लोग दिन भर जाम में फंसे पड़े रहते थे। लेकिन जिनको भी जाम से अगर मुख्य अगर मिलना नहीं है तो केवल वो व्यक्ति आप यहाँ पर से गायघाट के पुल के नीचे से आप आ जाएंगे और यहाँ पर से ये यहाँ से सीधे सीधे आप पीएमसी और दीघा आप जा सकते हैं। दीघा से आप उधर छपरा गोपालगंज जो जिधर भी जाना है उधर आप और आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए सर चलते हैं आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ गांधी सेतु ऊपर से क्रॉस कर रही है और नीचे से मरीन ड्राइव क्रॉस कर रही है। और जब इसके व्यू ऊपर से आप देखेंगे तो काफ़ी मस्त लगेंगे कि दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हुए देखेंगे जो काफ़ी सुकून महसूस होता है इसको देखने के बाद कि भाई पटना में भी ऐसा रोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये पटना मरीन ड्राइव फेज टू की अभी एक लाइन आप ये सर्विस ये चालू हुई है लोगों के आने जाने के लिए। और इसी रास्ते से ये पीएमसीएच से होते हुए और आप यहाँ से गायघाट आप आ रहे हैं यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं ये महात्मा गांधी सेतु आप यहाँ पर से क्रॉस कर रहे हैं और इसी रास्ते से होते हुए आप यहाँ से बिहार के अलग अलग कोने पर जा सकते हैं। सामने जो यू टर्न आपको यहाँ पर देख रहे हैं यू टर्न होते हुए और आप यहाँ से बिस्कोमान गुलमर होते हुए चढ़ के सीधे महात्मा गांधी सेतु वाले रोड पर चढ़कर
आप वहाँ से चाहे तो महात्मा गांधी सेतु पर चढ़ के आप हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, आप कहीं भी आप यहाँ से निकल सकते हैं और वहीं से एक साउथ की ओर जब जाएंगे, गांधी सेतु से जब साउथ की ओर जाएंगे तो वहाँ से बिहार सहित रांची, धनबाद, कहीं भी आप यहाँ पर से NH30 को आप यहाँ पर से पकड़ सकते हैं। Took my breath away in the moment. Whoa, whoa. We locked eyes and I knew I was hoping. दोस्तों, पटना मरीन ड्राइव फेज 2 की सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद मरीन ड्राइव फेज 3 का आपका जो कि गायघाट से दीरागंज तक जो जाने वाली कनेक्ट होने वाली है उसका भी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आने वाली है। उसके बारे में जो ब्रीफिंग है मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। और ये रहा आपका गांधी घाट, जिसे यू कहें ये NIT घाट भी कह सकते हैं, जहाँ की यहाँ हर शनिवार और रविवार को यहाँ गंगा आरती आपको देखने को मिलेगा। और इस मरीन ड्राइव पर अगर कोई अगर आते हैं तो यहाँ से आसानी से इस गंगा आरती का देखने का मज़ा ले सकते हैं आप यहाँ से। और दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को क्लिक कर देंगे ताकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो पटना मरीन ड्राइव फेज 2 का ये लास्ट प्रभाव था, जहाँ की ये इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। और वहाँ देख आप सामने देख सकते हैं कि PMCH में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है। तो सच में वाकई काफ़ी मज़ा आया ये मरीन ड्राइव फेज 2 का सफ़र करने में, और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस मरीन ड्राइव को फेज 2 को अगर आप चाहें तो आप भी आकर इसका मज़ा ले सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Took my breath away.